देश की सीमाओं पर ये जो आतंकी गतिविधियां या इस प्रकार की कोई कार्रवाई होती है, इससे प्रतिदिन बेचैन नहीं होना चाहिए। सबको मालूम है कि इस तरह के तत्व हैं और उनको निपटने के लिए केंद्र सरकार सारा इंतजाम कर रही है, सोच कर रही है। पूरा देश इस मामले में एकजुट है और हमारी फौज, भारतीय सेना और हमारे जो भी पैरामिलिट्री फोर्स के लोग हैं, जो इस पर तैनात किए जाते, सब में इतनी शक्ति है, सब ऐसी परिस्थितियों का मुकाबला करेंगे। लेकिन वो तरह तरह से आतंकी हमलों को अंजाम देना चाहेंगे तो उसके लिए हर समय कॉशस रहना चाहिए। लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि एकाध इस प्रकार की घटनाओं को लेकर बहुत ज्यादा चिंता में चला जाना चाहिए कि सर्जिकल ऑपरेशन हो गया उसके बाद वे गतिविधि हो रही है। केंद्र ने निर्णय लिया सर्जिकल ऑपरेशन का, वह बहुत जरूरी था और कामयाब था। तो यह मान लेना कि उससे बाकी जितनी आतंकी गतिविधियां हैं वो एक क्षण में समाप्त हो जाएगी, मैं नहीं समझता हूं। इसलिए ऐसे तत्वों से निपटने के लिए तो हर समय तैयार रहना चाहिए और मैं समझता हूं कि पूरा देश एकजुट है और आतंकी मसले पर कोई राजनैतिक नजरिए से एक दूसरे के से ये कॉन्ट्राडिक्टरी बात करना उचित नहीं होता है। इसलिए हम लोग पूरे तौर पर इस मामले में केंद्र के साथ हैं और वो जो भी जरूरी कदम है वो उठाएंगे, उठा रहे हैं और मैं समझता हूं कि देशवासी भी इस मामले पर एकजुट हैं। हम लोगों को एकजुट रहना होगा क्योंकि जिस तरह के तत्व ये हैं तो वैसे तत्वों से परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि वैसे तत्वों को हर हाल में निबटने के लिए तत्पर रहना।